दोस्तों ये है गोबर के कंडे, ठीक है, ये गोबर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको ये कंडे नहीं दिखाने आए हैं, हम आज हमको इसका एक प्रोडक्ट जो कस्टमाइज किया गया है हम आपको वो दिखाना है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं इधर, ये जो प्रोडक्ट तैयार पड़ा हुआ है ये है गोबर के ब्रिक्स। ये गोबर के द्वारा जो है गोबर मिट्टी और चूना मिलाकर ये जो है ये ईंटें तैयार की गई है। यहाँ पे इको फ्रेंडली मतलब यहाँ पे रूम बनाए जाएंगे, ये गौशाला है यहाँ पे राजस्थान के अंदर, यहाँ पे इको फ्रेंडली जो है रूम बनाए जाएंगे। और उसके लिए हमने यहाँ पे गोबर से बनी हुई ईंटों को मशीनों का निर्माण ईंटों का निर्माण चालू किया है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की आपको ईंटें मिल जाएगी देखने को, ये देखिए आपको दिखाते हैं। ये गोबर के द्वारा बनी हुई ईंटें हैं, इनको ये बिल्कुल नेचुरल है, मतलब क्या इसके द्वारा किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होगा और ये गर्मी के अंदर ठंडक अंदर ठंडक देगी और सर्दी के अंदर भी ये नॉर्मली रहेगी। ये ईंट बहुत अच्छी ईंटें हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी बन रही है। तो भी हम देखते हैं कि ये ईंट किस तरह तैयार हो रही है। इसकी लागत भी बहुत कम है और इसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा है, इको फ्रेंडली है, वातावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं है, किसी तरह का पोल्यूशन नहीं। पूरा शेड आप देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा शेड आप देख रहे हैं पूरा, ये इसी के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल होता है और किस तरह वर्किंग होती है। ईंटें बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो जरूरत है मटेरियल वो है गोबर। पहला जो है गोबर मटेरियल जो है ये लिया जा रहा है। दूसरा जो ले रहे हैं इसके अंदर वो ले रहे हैं मिट्टी, जो खेतों के अंदर जो मिट्टी काम में आती है वो मिट्टी जो है ले रहे हैं। और तीसरा जो हम ले रहे हैं इसमें चूना, तीसरा जो है मटेरियल वो चूना लिया जा रहा है। चूने को मिला के और चूने को और मिट्टी को और गोबर को मिला के एक मिश्रण तैयार किया जा रहा है जिसके द्वारा ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो तीनों मटेरियल को है मिला दिया गया है और ये मिक्स हो रहा है इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर मिक्स हो गया है। और इसके द्वारा जो मटेरियल निकलता है उसको बाहर निकाल कर इस तरफ से ये मटेरियल बाहर निकलेगा। तो डालो आप देना।